हेलो चिल्ड्रन, आज आपको हम लोग बताएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूजिंग कंपेंसेशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आप लोग कर ही रहे होंगे, लेकिन अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन अपन कैसे करेंगे, कौन सी किसके थ्रू? कंपेंसेशन। कंपेंसेशन क्या होता है? अगर कोई भी नंबर जैसे उसको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, उस नंबर को अपन उसके 10 या 100 के मल्टीपल्स में ले आएंगे, 10 या मल्टीपल्स के रूप में। जैसे अगर मान लो कोई नंबर आपका 28 है, तो 28 में को इसके नियरेस्ट, ये किसके नियरेस्ट जाएगा? 30। तो अपन ने इसमें क्या किया? 28 किया है। क्या किया है? 28। तो ये हो गया आपका 30, यानी ये 10s के मल्टीपल में आ जाएगा। कोई भी नंबर है, ये 31 है, तो 31 में से आपने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया आपका 30। तो इस तरीके से अपन कोई भी नंबर को कंपेंसेशन करके उसको 10 या 100 के मल्टीपल में लेके आके फिर उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन अपन कैसे करेंगे? यूजिंग कंपेंसेशन। उसको, उस नंबर को आप 10s के मल्टीपल्स में या फिर 100 के मल्टीपल्स में लेके आना है। मान लो कोई नंबर है, आप फिर देखिए, मैंने लिखा 55 में आप प्लस 5 करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 60। तो ये 60 10s का मल्टीपल है। 10s का मल्टीपल यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरीके से आपको नंबर बनाना है। 82 में से अपन 2 क्या कर देंगे? माइनस, तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका? 80। तो इस प्रकार से आपको वो नंबर बनाना है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, अपन कंपेंसेशन मेथड के द्वारा एडिशन करते हैं। 39 को 60, 39 में 63 ऐड करना है। ये 39 जो नंबर है उसको अपन क्या करना है? अपन उसको 10s के मल्टीपल में बदलना है। अब 10s के मल्टीपल में कैसे बदलेंगे? या तो इसको 40 में बदलेंगे या फिर 30 में। ये किसके नियरेस्ट है? 40 के। तो 39 में कितना ऐड करें कि ये 40 बन जाए? इसमें अपन प्लस 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 40। जब अब एडिशन में एक नंबर में आपने प्लस 1 किया तो ये 40 हो गया। तो इसको बराबर रखने के लिए दूसरे नंबर में से अपन इतना ही क्या करेंगे? माइनस। अगर यहाँ पर 1 ऐड किया है तो नीचे वाले नंबर में 1 माइनस करेंगे, ओके? अगर यहाँ पर 1 माइनस करते तो नीचे वाले नंबर में 1 प्लस करना होता। अब इसमें से आप एक नंबर क्या कर दो? माइनस। तो 63 में से एक माइनस किया तो 62। अब इन दोनों को आप क्या कर दो? एडिशन। 02 2 6 4 10। तो ये हो गया आपका आंसर 102। एक बार और देखें, 39 और 63, 39 में को अपन किस में बदल देंगे? इसको 10s के मल्टीपल में। तो 10s का मल्टीपल ये किसके नियरेस्ट है? 40 के। तो 40 के नियरेस्ट 39 में कितना ऐड करेंगे? 1। तो ये किस में बदल जाएगा आपका? 40 में। जब एक नंबर में, या तो ऊपर वाले में या नीचे वाले में, किसी में भी अगर एक नंबर ऐड किया है तो उतना ही नंबर दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 इसमें ऐड किया है तो नीचे वाले में आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 63 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 62, ओके? अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे करें अपन, यहाँ पर 39 है, यहाँ पर 63 है। अगर मुझे 63 को 10s के मल्टीपल्स में बदलना है तो मैं क्या करूँगा? ये किसके नियरेस्ट है? 60 के। किसके? 60 के। तो 63 को 60 के नियरेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे अपन? 3 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 3 माइनस। तो 3 माइनस किया तो ये क्या बन गया? 60। जब एक नंबर में अपन ने 3 माइनस किया है तो ऊपर वाले में अपन को 3 क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो यहाँ पर 3 प्लस किया तो 39 में 3 अगर एडिशन करेंगे तो ये कितना होगा? 39 में 3 एडिशन करते 42। अब इन दोनों को आप क्या कर दो? एडिशन। 2 और 0 2 4 6 10 102। तो ये इस प्रकार से आपका ये एडिशन होगा कंपेंसेशन के मेथड के द्वारा, ओके? जितना आपको ऊपर ऐड करना है, कंपेंसेशन करना है, उतना ही दूसरे नंबर में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ओके? अब कंपेंसेशन के थ्रू ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर 43 लिखा हुआ है, नीचे
43 में से 28 क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई सा भी एक नंबर, उसमें तो ऊपर या नीचे कोई सा भी नंबर अपन मल्टीपल्स कर लेते थे 10 के, यहाँ पर कोशिश करेंगे कि नीचे वाला नंबर ही 10 के मल्टीपल्स में करें। तो यहाँ पर 28 है, तो 28 किसके नियरेस्ट है, 20 के या 30 के, ऑब्वियसली 30 के नियरेस्ट है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे, इसमें अपन 2 ऐड करेंगे तो ये 30 में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा 30 में। जब अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में एक बात ध्यान रखने वाली है, कंपेंसेशन में अगर एक नंबर में आपने एडिशन किया है तो दूसरे नंबर को भी, एडिशन वाले में जब दो नंबर्स को ऐड करना होता था तब एक नंबर को तो ऐड कंपेंसेशन करना पड़ा होता था और दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना होता था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर एक नंबर में एडिशन किया है तो दूसरे में भी एडिशन ही करना पड़ेगा उतना ही नंबर। यहाँ पर 28 में 2 ऐड किया तो 30 हो गया, तो 43 में भी 2 ही ऐड करेंगे ना कि सब्ट्रैक्ट। ये आपका इस सब्ट्रैक्शन वाले मेथड में ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो 43 में 2 ऐड किया तो ये क्या हो गया 45। अब 45 में से 30 माइनस किया तो 5 में से 0 माइनस किया तो 5, 4 में से 3 किया तो 1। तो इस तरीके से आपको ये कंपेंसेशन मेथड के द्वारा सब्ट्रैक्शन करना है। ये याद रखना है, अगर एक प्लस करेंगे तो दूसरा भी प्लस होगा, दूसरा माइनस करेंगे तो वो भी माइनस होगा। जैसे अपना देखिए आप, ये मैंने 77 लिया, इसमें से मैंने 33 सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप, अगर 33 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले को अपन को क्या करना है, टेंस के मल्टीपल में बदलना है। तो 33 30 के नियरेस्ट है तो इसको 30 में बदलने के लिए 3 क्या करेंगे अपन, माइनस 33 में से 3 माइनस किया तो किस में बदल गया ये 30 में से। जब एक नंबर अपन ने माइनस किया है तो दूसरा नंबर भी उतना ही उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 77 में से 3 माइनस किया तो कितना हो गया 74। अब 74 में से 30 माइनस करो 4047 में से अगर 3 माइनस किया तो 4, तो ये कितना है आपका 44। तो ये चीज सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखने वाली है, अगर नीचे वाली या कोई सी भी डिजिट अगर आपने सब्ट्रैक्ट की है तो ऊपर वाला नंबर भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उतने ही नंबर से। ओके, इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज 2A कंप्लीट करनी है। ओके, हैव अ गुड डे।